1/5/1912 वैशाख पूर्णिमा उद्बोधन। सवेरे मां को चिट्ठियां पढ़कर सुनाने गया। मां अपने कमरे के दाहिनी ओर के कमरे में उत्तरी दरवाजे के पास बैठी थी। मैंने ठाकुर घर से निकलकर मां से कोई एक बात पूछी। मां ने कहा, इधर आकर बैठकर बात करो। मैं जाकर बैठ गया। मैं एक भक्त की लड़की ने यहां आने के लिए अपनी ससुराल से चिट्ठी लिखी है। उसने प्रणाम कहा है और लिखा है कि उसके चिट्ठी लिखने की बात ससुराल वाले जानने न पाए। मां, रहने दो, उसे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। घर के लोग जानने न पाए, मैं इतनी लुका छिपी नहीं जानती। जयराम वाटी में योगेंद्र अर्थात चपरासी चिट्ठी का जवाब लिख देता था। कई लोग कहते, चपरासी चिट्ठी पढ़ता है, जिस तिस से चिट्ठी पढ़वाती हैं। तो क्या हो गया, मेरे पास कोई छल छिद्र नहीं है। मेरी चिट्ठी है, जिससे चाहूंगी दिखवाऊंगी। एक भक्त ने लिखा है कि मां जयराम वाटी कब आएंगी। मैंने मां से कहा, उसे लिख दूं कि अगहन महीने में जगधात्री पूजा के समय आएंगी। मां, ना ना, वह सब क्या अभी से ठीक कहा जा सकता है। कब कहां रहती हूं सब उन्हीं के हाथ में है। मनुष्य तो अभी है और अभी नहीं। मैं, तुम ऐसा क्यों कहती हो। तुम हो इसीलिए इतने लोग आते हैं और शांति पाते हैं। मां, ठीक कहते हो। मैं, तुम हम लोगों के लिए रहो। मां भक्तों के लिए रुआसी हो, करुण स्वर में कहने लगी। आंखें छलछला उठी। आहा, ये लोग मुझे जितना चाहते हैं मैं भी उन्हें उतना ही चाहती हूं। मैं उन्हें पंखा झल रहा था। वे करुण स्वर में कहने लगी, आशीर्वाद देती हूं, बेटे जीते रहो, भक्ति हो, शांति में रहो। शांति ही मुख्य वस्तु है, शांति ही चाहिए। मैं, मां, मेरे मन में केवल यही बात उठती है कि ठाकुर के दर्शन क्यों नहीं होते, जब वे इतने अपने हैं तथा इच्छा मात्र से ही दर्शन दे सकते हैं, तब वे दर्शन क्यों नहीं देते। मां, सही है, इतने दुख कष्ट में भी वे दर्शन क्यों नहीं देते, यह भला कौन जाने। राम की मां अर्थात बलराम बाबू की पत्नी बीमार थी। ठाकुर ने मुझसे कहा, जाओ देख आओ। मैंने कहा, कैसे जाऊं, गाड़ी वाड़ी तो नहीं है। ठाकुर ने कहा, मेरे बलराम का संसार डूबा जा रहा है और तुम नहीं जाओगी। पैदल जाना, पैदल चली जाओ। बाद में पालकी का प्रबंध हो गया। मैं दक्षिणेश्वर से गई, दो बार जाना हुआ था और एक बार जब मैं श्याम पुकुर में थी, तब रात में पैदल चलकर राम की बीमार मां को देखने गई थी। देखो, उसी बलराम का नाती उस दिन अर्थात निताई बाबू की मां के श्राद्ध के दिन मर गया। एक दिन भी क्या आगे पीछे होने से नहीं होता था।
वे यदि ऐसी विपत्ति में न देखें, दर्शन न दें, तो व्यक्ति कैसे रह पाएगा? मैं, शरीर धारण करने से दुख कष्ट तो होगा ही, मैं उन्हें दुख दूर करने के लिए नहीं कहता, पर क्या वे दुख कष्ट के समय दर्शन देकर दिलासा भी नहीं दे सकते? मां, ठीक कहते हो बेटा, राम की मां, राम की स्त्री, ये लोग सब यहां आए। उन्होंने सोचा कि मां के पास जाएं। यहां आने से उन्हें फिर भी कुछ शांति मिली, इसीलिए मैं ठाकुर से यह सब कहती। वे कहते, मेरे तो सब लाखों में हैं, सब मेरे बकरे हैं, मैं उन्हें पीछे से काटूं या पूछ में काटूं और मारूं, मेरी मर्जी। मैं, हम लोग जो कष्ट पाते हैं उधर क्या वे देखेंगे भी नहीं? मां, तुम्हारे जैसे तो उनके कितने ही हैं। वे कहते थे, यह चिदानंद सागर है, इसमें कितने ही डूबते और उतराते हैं, इसका कोई कूल किनारा नहीं है। मैं, मां, जो लोग ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की तरह है, उस समय उद्बोधन के सामने झुग्गी झोपड़ियां थी, वे बड़े मजे में रहते हैं, किंतु जिन्हें थोड़ा होश आ जाता है तथा जो उन्हें पाना चाहते हैं, उन्हें यदि उनका दर्शन न मिले तो उन पर क्या गुजरती है वे ही जानते हैं। मां, हां सही बात है, वे लोग मजे में हैं, खाते पीते और मौज करते हैं, भक्तों को ही जितने सारे कष्ट हैं। मां, क्या इन लोगों अर्थात भक्तों का दुख कष्ट देखकर तुम्हें पीड़ा नहीं होती? मां, मुझे पीड़ा क्यों, जिनका संसार है वे ही देख रहे हैं। मैं, भक्तों के लिए क्या तुम्हारी आने की इच्छा नहीं होती? मां, शरीर धारण में कितना कष्ट है, इसीलिए बस अब और नहीं, और ना आना पड़े बाबा। ठाकुर की बीमारी के समय दुर्गाचरण अर्थात नाग महाशय 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए खोज करके आंवला ले आया। ठाकुर की आंवला खाने की इच्छा हुई थी, ठाकुर ने उसे प्रसाद देने के लिए उस दिन काफी मात्रा में भात खाया। मैंने कहा, यह तो अच्छा भात खा रहे हैं, तब तो सूजी की खीर खाने की क्या जरूरत, थोड़ा थोड़ा करके भात ही खाना। ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं, अंतिम अवस्था में यह भोजन ही ठीक है। किसी किसी दिन नाक से, गले से सूजी की खीर बाहर निकल पड़ती, उन्हें असह्य वेदना होती। ओह, तारकेश्वर में बाबा भोलेनाथ के पास मैं मंदिर में धरना देने गई थी, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, वहां पर बिना खाए पिए पड़ी रही, पर रात में एक आवाज सुनकर चौंक उठी, जैसे बहुत सी हड्डियां रखी हुई हो और कोई चोट करके हड्डी को फोड़ दे, वैसी ही आवाज। जागने पर हठात मेरे मन में विचार कौंधा, इस संसार में कौन किसका पति है, इस संसार में भला कौन किसका है, मैं यहां किसके लिए अपने प्राण त्यागने बैठी हूं। एक बारगी सारी माया नष्ट हो गई और मन वैराग्य से भर उठा।
मैंने उठकर अंधेरे में टटोलते टटोलते मंदिर के पीछे स्थित कुंड के जल से अपने आंख और मुंह में छींटे दिए और थोड़ा सा पानी लेकर पिया। बिना खाए पिए बैठी थी ना, इसीलिए प्यास के मारे गला सूख गया था। इससे प्राणों में थोड़ी चेतना लौटी। उसके दूसरे दिन ही वापस लौट आई। आते ही ठाकुर ने पूछा, क्यों जी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं ना। ठाकुर ने भी स्वप्न देखा था कि एक हाथी दवाई लाने को गया। वह हाथी दवाई निकालने के लिए मिट्टी खोदने लगा। ऐसे समय में गोपाल ने आकर उनका स्वप्न भंग कर दिया। ठाकुर ने मुझसे पूछा था, तुम सपना वपना देखती हो? मैंने देखा था कि मां काली गर्दन झुकाए खड़ी हैं। मैंने पूछा, मां तुमने ऐसा क्यों कर रखा है? मां काली ने कहा, उसके इसके अर्थात ठाकुर के गले के घाव को दिखाकर, कारण ही मेरे भी ऐसा हुआ है। ठाकुर बोले, जो भुगतने का था सब मेरे ऊपर से ही गुजर गया। तुम लोगों में किसी को अब कष्ट भोग नहीं करना पड़ेगा। संसार के सब लोगों के लिए मैंने ही भुगत लिया है। गिरीश के पाप को ग्रहण करने के कारण ही उन्हें यह व्याधि हुई थी। गिरीश को भी अंतिम समय में भुगतना पड़ा था। जो कुछ भोग है सब यहीं पृथ्वी में ही तो है, और कहां क्या है? जीव अहंकार के कारण भुगत भुगत कर अंत में जब धनुए के हाथ में पड़ता है, तभी तुहू तुहू अर्थात तू ही की रट लगाता है। मैं तो यहां के पश्चात क्या तुम्हें हम लोगों की याद रहेगी? मां, हो सकता है वहां के आनंद को पाकर याद न बनी रहे। बेटा, काल ही प्रधान है। काल के वशीभूत हो क्या होगा यह भला कौन जान सकता है? मां, काल के वशीभूत भी हो रहा है, फिर काल जयी भी तो है। मां, हां वह भी है। मैं, मां तुम स्वस्थ रहो, बस उसी से सब ठीक रहेगा। 8 बज गए। मां ने पूछा, क्या 8 बज गया? लगता है बज गया। बेटा, मैं पूजा करने जाती हूं। यह कहकर वे उठी और कहने लगी, और बेटा आशीर्वाद करो जिससे स्वस्थ रहूं। पूजा हो जाने के बाद मैं मां को चिट्ठियां पढ़कर उन्हें सुनाने के लिए गया। उनके कृपा प्राप्त किसी भक्त को काशी में मुक्ति लाभ होने की बात सुनकर मां ने कहा, मरना तो होगा ही सबको एक दिन। वह कहां किस तालाब तलैया के किनारे मरता, यह न होकर उसकी काशी में मृत्यु हुई। मामा लोगों के पत्र में धन की आकांक्षा तथा झगड़े झंझट की बातें थी। मैंने कहा, उन लोगों को खूब रुपया पैसा दो, ठाकुर से इसके लिए कहो, अच्छा सुख भोग करे जिससे विराग उत्पन्न हो। मां, उन लोगों को कहीं विराग होगा? उन लोगों की किसी प्रकार निवृत्ति नहीं हो सकती, बहुत देने से भी नहीं। संसारी लोगों की क्या
कहीं निवृत्ति होती है? उन लोगों के यहां बस दुख का रोना है। काली अर्थात उनका एक भाई केवल पैसे की ही रट लगाए हुए है। उसकी देखा देखी अब प्रसन्न भी वैसा करने लगा है, पर वरदा कभी ऐसा नहीं करता। वह कहता है, दीदी भला कहां से पैसा पाएंगी? मैं, क्या पगली नहीं मांगती? मां, उसे देने से भी वह नहीं लेती। मैं, तुमने उन लोगों के यहां जन्म क्यों लिया? मां, क्यों? मेरे माता पिता बहुत अच्छे जो थे। पिता बड़े राम भक्त थे, बड़े नैष्ठिक थे, दूसरी जाति के हाथ का कुछ ग्रहण नहीं करते थे। मां कितनी दयावती थी, लोगों को कितना खिलाती पिलाती और उनकी देखभाल करती, कितनी सरल थी। पिता को तंबाकू बहुत पसंद थी। वे ऐसे सरल और निष्काम थे कि जो कोई भी घर के सामने से गुजरता उसे बुलाकर बैठाते और कहते, आओ भाई बैठो, तंबाकू पी लो, और यह कहकर खुद ही चिलम में तंबाकू भरकर पिलाते। माता पिता की तपस्या नहीं होने से क्या भगवान उनके यहां जन्म ग्रहण करते हैं? 25/6/1912 उद्बोधन। सवेरे ठाकुर घर के पास वाले कमरे में मां की तख्त के पास बैठकर उनसे बातचीत होने लगी। मैं, मां, कोई कोई कहते हैं कि साधु लोग यह जो मठ, सेवाश्रम, अस्पताल, पुस्तक विक्री तथा हिसाब किताब का काम करते हैं वह अच्छा नहीं है। ठाकुर ने क्या यह सब किया था? जो लोग व्याकुलता लेकर नए नए मठ में आते हैं उनके सिर पर यह सब काम मढ़ दिए जाते हैं। कर्म यदि करना है तो पूजा, जप, ध्यान, कीर्तन, यही सब करना चाहिए। अन्य सब कर्म कामना को जन्म देकर व्यक्ति को ईश्वर से विमुख बना देते हैं। मां, तुम उन लोगों की बात नहीं सुनना। कर्म नहीं करोगे तो दिन रात क्या लेकर रहोगे? 2400 घंटे क्या ध्यान जप किया जा सकता है? लोग ठाकुर का उदाहरण देते हैं पर उनकी बात निराली है। उनके भोजन का प्रबंध मथुर करता था। यहां तुम लोग एक काम लेकर हो, इसीलिए खाना जुट रहा है, नहीं तो एक मुट्ठी अन्न के लिए कहां दर दर घूमते फिरोगे? शरीर अस्वस्थ हो उठेगा। फिर आजकल साधुओं को कौन इतनी भिक्षा देता है? तुम लोग वैसी सब बातें नहीं सुनना। ठाकुर जैसा चला रहे हैं वैसा ही चलेगा, मठ इसी प्रकार चलेगा। इसमें जो नहीं रह पाएगा वह चला जाएगा। मणि मल्लिक ने आकर ठाकुर से साधु दर्शन की बात कही थी। ठाकुर ने पूछा, क्यों जी, कैसे सब साधु देखे? वह बोला, हां देखा तो, पर। ठाकुर ने कहा, पर क्या? मणि मल्लिक ने कहा, सभी पैसा चाहते हैं। ठाकुर बोले, भला कितना पैसा चाहेंगे? ज्यादा हुआ तो एक पैसा, गांजा या तंबाकू पीने के लिए, बस इतना ही तो। और तुम्हें
अपने लिए घी की कटोरी, दूध की कटोरी, गद्दे, यह सब चाहिए। और उसके लिए जो शायद थोड़ी सी तंबाकू या गांजा पीना चाहे, एक पैसा या धेला भी ना मिले। सब भोग तुम लोग ही करोगे और वे एक पैसे का तंबाकू पीने के भी हकदार नहीं। मैं, कामना के फलस्वरूप ही भोग होता है। चार मंजिले मकान पर रहने पर भी जिसके हृदय में कामना नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, और अगर कामना रहे तो वृक्ष तले रहने से भी सब भोग आ जुटेंगे। ठाकुर कहते थे, महामाया की लीला ऐसी है कि जिसके तीन कुल का कोई नहीं है उसके द्वारा भी एक बिल्ली पोसवाकर संसार कराएगी। मां, ठीक कहते हो, कामना के कारण ही सब है। कामना न रहे तो फिर बात ही क्या। मैं यह सब लेकर तो हूं, पर कहां, मुझमें तो कोई कामना उठती नहीं, जरा भी नहीं। मैं, तुम में भला कामना कैसे। मां, हम लोगों के भीतर कितनी तुच्छ वासनाएं उठती हैं, वे सब कैसे दूर होंगी। मां, तुम लोगों के असल में कोई वासनाएं नहीं हैं, वे सब कुछ नहीं हैं, वे सब मन की तरंगे हैं, यों ही उठती हैं और चली जाती हैं। वे सब जितनी निकल जाएं उतना ही अच्छा है। मैं, कल बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यदि भगवान रक्षा ना करे तो मन के साथ भला कब तक लड़ाई की जा सकती है। एक वासना जाती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। मां, जब तक मैं हैं तब तक वासना रहेगी ही। उन सब वासनाओं से तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, वे ही रक्षा करेंगे। जो उनके प्रति शरणागत हैं, सब कुछ छोड़ जिन्होंने उनका आश्रय लिया है, जो अच्छे बनने की इच्छा रखते हैं, उनकी रक्षा यदि वे ना करें तो यह तो उनके लिए ही महापाप होगा। उनके ऊपर आश्रित होकर रहना चाहिए, वे चाहे अच्छा करें या डुबाएं, फिर भी सत्कर्म करते रहना चाहिए, और वह भी जितनी शक्ति वे दे उसके अनुरूप। मैं, मुझमें वह निर्भरता कहां है। हो सकता है थोड़ी बहुत हो, पर वह फिर दूर हो जाती है। यदि वे स्वयं रक्षा ना करें तो उपाय कहां। मन में सोचता हूं, मां अभी तो तुम हो, जो भी दुख हो कष्ट हो तुम्हारे पास आकर कहता हूं और तुम्हारा मुंह जोहकर शांति पाता हूं। इसके बाद कौन रक्षा करेगा। यदि तुम सुध लो तभी तो होगा। मां, डर किस बात का है बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम लोगों के तो संसार, परिवार, बाल बच्चे, ये सब कुछ होंगे नहीं, फिर तुम लोगों को डर की क्या बात। और फिर इस बीच मेरे रहते तुम लोग सब तैयार हो जाओगे। मैं सोचता हूं, यदि भगवान सुध न ले तो जब तब से ही क्या होगा। यदि वे रक्षा करें तभी रक्षा है। मां, नहीं, तुम्हें कोई भय नहीं, वे रक्षा करेंगे। तुम कोई सोच मत करो।